बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आती हुई, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में स्थानीय मजदूरों पर, गैर स्थानीय जो मजदूर हैं उन पर ये हमला हुआ है। दो गैर स्थानीय मजदूर प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने यह हमला किया है। अनंतनाग की यह खबर है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, एक मजदूर बिहार का, दूसरा नेपाल का निवासी बताया जा रहा है। क्या है पूरी खबर अशरफ? अंजना, ये आतंकी हमला जो है एक निजी स्कूल में हुआ। दयालगाम गांव है अनंतनाग जिले में, जहां पर एक इन गैर स्थानीय मजदूरों में से एक नेपाल का है, एक बिहार का है, उन्हीं पर आतंकियों ने गोलीबारी की है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों निजी स्कूल के कर्मचारियों को अनंतनाग अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस अंदाज से पिछले कई महीनों से न सिर्फ कश्मीरी पंडितों को और गैर राज्य के लोगों को कश्मीर में निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उसी कड़ी में ये आतंकी हमला भी देखा जा रहा है। इस हमले के बाद जो है पुलिस और सेना इलाके में पहुंची है और उन आतंकियों की तलाश जारी है जिन्होंने इस आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी धन्यवाद आपका अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। कश्मीर के अनंतनाग में दो प्रवासी मजदूरों पर यह आतंकी हमला, जिसकी जानकारी दे रहे थे अशरफ। धन्यवाद अशरफ।